साथियों नमस्ते। आइए मैं यहाँ पंचायत छर्रा में जो अभी चेयरमैन जीती हुई सपना गुप्ता, उनके पति हैं मेरे साथ में यतीन्द्र कुमार और लालू महाजन। मैं बात करता हूँ लालू महाजन जी से। अब आप अभी चुनाव जीत के तैयार हुए, अब आकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं लालू महाजन प्रत्याशी सपना गुप्ता का पति हूँ और आगे की रणनीति ये रहेगी। छर्रा में जो सफाई व्यवस्था खराब चल रही थी वो सही कराएंगे। नालियों की भी शिकायतें थी और सड़कों की भी बहुत शिकायतें थी और नगर पंचायत की जो लाइटें हैं उनकी भी बहुत शिकायतें थी, वो शिकायतें खत्म करेंगे और विकास करेंगे। अभी इससे पूर्व कुछ ऐसी गलियां थी कि जिनमें पानी भर जाता था, दो दो ढाई ढाई तीन तीन फीट पानी था। अभी आपके क्षेत्रीय विधायक ने वहां ले जा करके काफी अपने निजी विधायक उसे लगा करके विधायक निधि से वो सड़कें दुरुस्त करा दी। और आपके निगाह में और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो उनसे अलग आप काम करेंगे? हमारे छर्रा में हमारे माननीय विधायक जी ठाकुर रविन्द्र पाल सिंह जी, उन्होंने 12 सड़कें बनवाई हैं और 4 सड़कें पास भी करा दी है उन्होंने, तो पास हो गई हैं। और एक हमारे छर्रा में मेन पुलिया है, मेन चौराहे पर, वो भी पास करा दी है उन्होंने और विकास कराया है छर्रा में। बाकी की जो कुछ गलियां हैं उनकी वो लिख के हमने दे दिया है माननीय विधायक जी को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये भी गलियां हम कराएंगे। बाकी नगर पंचायत के जो भी काम है वो फिर हम बखूबी अपना करेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व आपकी एक भाजपा नेत्री हैं टीटा महाजन, उन्होंने कुछ दिन पहले जो वर्तमान में चेयरमैन थे उनके लगाया था कि उन्होंने वहां आवासों में पैसा लिया है या इस तरह का, तो क्या इस तरह की कोई शिकायत रहेगी आप लोगों की? आज से पहले जो चेयरमैन थे उनके पास इसकी कमीशन जाया करती थी। जो सभासद थे वो 15,000 रुपए गरीबों से लेते थे, जिनके आवास जो खराब दिलवाते थे वो, तो उनसे 15,000 रुपए उन्होंने इसकी कमीशन ली। इस चीज का मैंने विरोध भी किया था, एक इमरान नाम का वो था उसका भी मैंने विरोध किया, कई एक लोग थे उसमें जांच भी, उसमें अब जांच भी कराई जाएगी। मैंने जांच के लिए बोला था ये हिसाब से, तब तक उनका ट्रांसफर हो गया तो दूसरी जो मैडम आ गई। अब जो भी आवासों में वो हुई है उसमें जांच कराई जाएगी। तो डेली न्यूज के माध्यम से आप अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 10 वर्ष के बाद में यहां तुम्हारा भाजपा का झंडा प्रथम रहा है? 10 वर्ष में हमारी छर्रा की जनता उग गई थी, बहुत परेशानी का सामना किया है छर्रा की जनता ने। अब हम सेवा भाव से काम करेंगे, उनका जो भी काम होंगे उनके सारे पूरे कराए जाएंगे। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए जो भी उनके कार्य हैं वो सारे पूरे करेंगे और उनको बधाई भी देंगे। छर्रा नगर की जनता ने जो हमें जीत दिलाई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों मेरे साथ में थे ये लालू महाजन जिन्होंने अभी अपने आगामी योजनाओं के विषय में बताया। डेली न्यूज के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह।